नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशियाना में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इस प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं आप क्या देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लैंड विथ हाउस, जमीन का जो एरिया है दैट इज़ 1 कट्ठा 5 लेसा एरिया है, दैट इज़ 3600 स्क्वायर फीट लैंड एरिया है विथ 2660 ईच फ्लोर बिल्डअप आपको मिल जाता है। इस बिल्डिंग में आपको 5 3BHK मिलने वाला है, अनयूज अनटच न्यू प्रॉपर्टी 1320 स्क्वायर फीट और 1340 स्क्वायर फीट का। बात करते हैं लोकेशन का दोस्तों, करेंटली वी आर इन हाथीगांव, मेन हाथीगांव रोड से 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस में है। अगर हम रास्ता का चौड़ाई का बात करें दैट इज़ 19 फीट वॉल टू वॉल आपको मिल जाता है, दो गाड़ी इजीली क्रॉस हो सकता है। टूवर्स माय राइट आप निकल सकते हैं जनकपुर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर फ्रॉम आवर करेंट लोकेशन, और टूवर्स माय लेफ्ट इज़ आवर हाथीगांव मेन रोड जो आप निकल सकते हैं 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अगर हम बात करें स्कूल्स एंड कॉलेजेस, 2 to 3 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस आपको अवेलेबल हो जाता है। भगवान कभी ना अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल्स भी आपको विद इन 2 to 3 किलोमीटर रेडियस में आपको दोस्तों मिल जाता है। आइए दोस्तों, जैसे हम एंटर करते हैं मैं आपको बता दूं, अगर आपका रिक्वायरमेंट है एक रेडी टू मूव इन न्यू घर का, नया घर का लैंड विथ हाउस इन हाथीगांव एरिया, देन ये वीडियो है आपके लिए। आइए, जैसे ही आप एंटर करते हैं यू गेट ए वेरी ह्यूज स्लाइडिंग गेट, आपको मेन गेट आपको मिल जाता है। और जैसे ही आप एंटर करते हैं मैं आपको डायमेंशन बता दूं, लेंथ एंड ब्रेथ आपका 90/40 है, लंबाई जो है वो 90 फीट का है और चौड़ाई आपका 40 फीट का है। आपका यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में पीछे एक यूनिट है और जो शेड में आप इजीली 5 पार्किंग इजीली कर सकते हैं, बट आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप और 2-3 गाड़ी का भी पार्किंग कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो यहाँ भी आप गार्डन एरिया बना सकते हैं। जो बिल्डिंग है यहाँ से जो इसका हाइट ऑलमोस्ट 12 फीट का आपका यहाँ छोड़ा गया है, साइड बिल्डिंग का साइड टू साइड आपका 4 फीट आपका छोड़ा गया है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द हाइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस अभी सीलिंग से लेकर ग्राउंड का जो हाइट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 to 16 फीट अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। एंड आपको बिल्डिंग में 5 यूनिट आपको मिलेंगे इस तरफ। प्रतीक जी मैं चाहता हूँ थोड़ा सामने आइए, यहाँ आपको मिल जाता है सिक्योरिटी केबिन, आपको मिल जाता है यहाँ पर सिक्योरिटी रहेगा, अगर आपका ड्राइवर है ड्राइवर भी रह सकता है। थोड़ा बड़ा एक स्पेस आपको इधर मिल जाता है, और दोस्तों ये जो साइड में जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 to 5 फीट का आपका स्पेस छोड़ा गया है। दिस वे इज़ आवर वॉशरूम फॉर योर ड्राइवर या फिर आपका सर्वेंट के लिए, आपके घर के मेट के लिए या फिर आपका सिक्योरिटी के लिए। आइए मेरे साथ, यहाँ पर सारा पाइप्स वगैरह लगाया गया है। इस प्रॉपर्टी में एक आपका डेमो फ्लैट बना हुआ है, वो मैं डेमो फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों, कॉमन एरियाज पे आपका ये मार्बल लगा हुआ है, पर फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में आपका एक यूनिट है, पर फ्लोर 2 यूनिट्स है। ये जो यूनिट है सेम आपका फर्स्ट फ्लोर में डेमो फ्लैट बना हुआ है, सेम फ्लोर डिजाइन है, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर में दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। कॉमन एरियाज से आपको ये कंटिन्यूएशन होकर टेरेस तक आपको ये मार्बल फिटिंग्स आपको मिलता है कॉमन एरियाज पे विद स्टील का रेलिंग। पर फ्लोर 2 यूनिट है, इन टोटल 5 यूनिट है। अभी आप आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, पर फ्लोर 2 यूनिट से अभी मैं हूँ डेमो फ्लैट यानी कि 1320 स्क्वायर फीट में। मेरे जस्ट ऑपोजिट में और एक यूनिट है दैट इज़ 1340 स्क्वायर फीट। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस एरिया में रेंटल इनकम इज़ प्रिटी गुड। अगर आप चाहते हैं तो एक फ्लोर आप रख के द अदर 3 यूनिट्स यू कैन रेंट इट आउट, सेल इट आउट, या फिर आप गेस्ट हाउस भी चला सकते हैं। आइए, हम एंटर कर रहे हैं इन आवर लिविंग एरिया, और ये डेमो फ्लैट है, ऐसा आपका हर फ्लैट में नहीं मिलेगा, बस ये आपको दिखाने के लिए एक आइडिया समझने के लिए दिया गया है। दोस्तों, दिस इज आवर लिविंग एरिया एंड टूवर्ड्स आवर लेफ्ट इज आवर किचन, जो मॉड्यूलर फिटिंग्स के साथ आपको दिया जाएगा, मॉड्यूलर किचन के साथ आपको दिया जाएगा। एंड लुक एट द कलर ऑफ दिस, कलर ऑफ द वार्डरोब्स इज वेरी प्रीमियम।
यहाँ आपका ये स्टेनलेस स्टील का आपका सिंक दिया जाएगा। जो विंडोज है वो आपका यूपीवीसी फिटिंग्स का आपका यूपीवीसी फिटिंग्स आपका दिया जाएगा दोस्तों। टाइल्स की अगर हम बात करें 2x2 का टाइल्स है। प्रतीक जी पर ऊपर दिखाई पीवीसी का आपका ये सीलिंग दिया गया है विच लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। आते हैं लिविंग एरिया पे, हम जैसे कि मैंने बताया दोस्तों इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे क्वालिटी से बनाया गया है और जो विंडोज़ वगैरह आप देख सकते हैं ये सारा आपका यूपीवीसी नॉइस कैंसिलेशन यूपीवीसी आपको मिल जाता है इस बिल्डिंग के साथ। आप जैसे कि प्रतीक जी पर सीलिंग पे फोकस कीजिए, आपको लाइट्स का कनेक्शन दोस्तों जैसे आपको मिल रहा है एक फ्लैट में आपको ये बेनिफिट आपको मिल रहा है पूरा सेमी फर्निश्ड होके मिलेगा। बस आपको यहाँ फर्नीचर लेके आना है। इफ़ यू वांट यू कैन ओपन ए यू नो एयरबीएनबी, ये बिल्डिंग को पूरा एयरबीएनबी आप बना सकते हैं या फिर रेंट आउट में भी लगा सकते हैं। आइए मेरे साथ। और एक बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा इस घर का, लिविंग कम डाइनिंग को छोड़ते हुए वी हैव आवर बेडरूम्स इन ए वेरी प्राइवेट, मतलब प्राइवेट सेक्शन पे है। अगर गेस्ट आने से भी हमारे बेडरूम्स में वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं विच इज़ व्हाट आई रियली लाइक। आइए मेरे साथ, जैसे मेंटर करेंगे वी हैव आवर कॉमन वॉशरूम जो सीपी फिटिंग्स है वो एज पर योर नीड वो हम आपको दे सकते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट बेडरूम। ऑल द बेडरूम्स आर विद अ डायमेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 14x12 का आपका डायमेंशन मिलेगा। आप सीलिंग में देख सकते हैं यहाँ से भी आपको दोस्तों, हालांकि साइड में ऑलरेडी बिल्डिंग आपका कंस्ट्रक्ट हो गया है लेकिन आपको जो एकदम ब्लॉक नहीं हो रहा है आपका विंडो से, आप जैसे कि देख सकते हैं एकदम ब्लॉक बिल्कुल सामने नहीं है बिकॉज वो बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट बॉर्डर से बाउंड्री से 5 feet का आपको ऑलमोस्ट 10 feet का आपको गैप मिल जाता है। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारा सेकेंड बेडरूम। यहाँ आपका वॉशिंग मशीन पॉइंट आपको लग जाएगा। दिस इज़ आवर सेकेंड बेडरूम। इस तरफ है आपका बिल्डिंग का बैक व्यू फ्रॉम द बिल्डिंग। इस तरफ दूसरे का प्लॉट है। आपको सारे बेडरूम्स में एसी कनेक्शन आपको दोस्तों मिल जाता है। दिस इज आवर शू कैबिनेट। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको स्टोरेज दिया गया है दोस्तों। एंड ऑल दिस फिटिंग्स आर ब्रांडेड फिटिंग्स आपको दिया गया है। दिस इज आवर थर्ड बेडरूम ऑफ डायमेंशन अगेन 13x12 का विद अटैच्ड वॉशरूम। प्लीज हैव अ लुक दोस्तों। अगर मैं बात करूं हाइट का, सीलिंग हाइट इज 8.5 क्लियरेंस आफ्टर इंस्टॉलिंग द वॉल सीलिंग का स्ट्रक्चर होने के बाद आपको 8.5 का आपको क्लियरेंस हाइट मिल जाता है। आइए मेरे साथ। अभी मैं आपको सेकंड फ्लोर का फ्रंट फेसिंग दिखा देता हूँ। टोटल 5 यूनिट है, सारा ही आइडेंटिकल फ्लैट है, सेम डिज़ाइन का है। पीछे वाला 1320 वाला मैंने आपको दिखा दिया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ 1340 स्क्वायर फीट का आपको मैं दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। This, ladies and gentlemen, is our another unit 1340 square feet का है। जैसे वेंडर करते हैं आपको स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग मिल जाता है। सेम स्ट्रक्चर है। दिस वे इज आवर किचन। यहाँ दिस किचन इज प्रिटी बिग फ्रॉम द 1320 वाला स्क्वायर फीट। आइए, सेम आपको डिजाइन में मिल जाता है 3 bedrooms बिल्कुल इंटीरियर पे फ्रॉम द लिविंग एंड डाइनिंग। दिस वे इज आवर फर्स्ट बेडरूम। प्लीज हैव अ लुक। यहाँ आपको कस्टमाइजेशन करने का चांसेस मिल जाता है बिकॉज हमने सीपी फिटिंग्स नहीं दिया है। फॉल सीलिंग का भी बस स्ट्रक्चर बना है। दिस वे इज आवर सेकंड बेडरूम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम। एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर और वो है बहुत ज्यादा पीसफुल एरिया है। वाटर लॉगिंग नहीं होता है। मेन रोड से 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस में है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से सीधा लोकरा निकल सकता हूँ। लोकरा वुड बी अराउंड 3.5 किलोमीटर फ्रॉम माय लोकेशन राइट नाउ। और अगर मैं चाहूँ तो टूवर्ड्स दिस वे इज़ आई कैन गो टू हाथीगांव गणेशगुड़ी सिटी के सेंटर में मैं जा सकता हूँ। मेन रोड से 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस में है। वाटर लॉगिंग नहीं होता है। पूरा बिल्डिंग में टेरेस आपको, इंडिपेंडेंट टेरेस आपको मिल जाता है। चलिए अभी मैं आपको टेरेस का भी एक टूर दे देता हूँ। आइए मेरे साथ।
लेडीज एंड जेंटलमैन, करेंटली वी आर इन टेरेस जो कि आप देख सकते हैं। 2660 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया आपको मिल जाता है। इफ़ यू वांट आप यहाँ भी एक असम टाइप हाउ घर आप बना सकते हैं अपने स्टाफ के लिए, या फिर बना के आप रेंट आउट कर सकते हैं। प्लीज़ इस तरफ आके आप वाटर टैंक आप दिखा दीजिए प्रतीक जी। तो दोस्तों स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इफ़ यू वांट यू कैन इंक्रीज द स्टोरेज। अगर आप रेंट पे भी देते हैं तो हर एक यूनिट को आप 2-3 हज़ार लीटर का भी आप देके भी यू हैव स्टोरेज टू यू नो प्लेस योर वाटर टैंक्स। अभी हम आते हैं फाइनल सवाल पे। विशाल जी, घर बहुत सुंदर है, इसका प्राइस बता दीजिए। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, G+2 मॉडल का बिल्डिंग है, 1 कट्ठा 5 लेसा लैंड पे, यानी कि 3600 स्क्वायर फीट में ये घर बना हुआ है, अनयूज्ड है। बिल्डिंग 1-2 महीने में रेडी होने वाला है। इस प्रॉपर्टी में आपको 5 यूनिट मिलेगा, 1320 स्क्वायर फीट और 1340 स्क्वायर फीट का 5 3BHK यूनिट्स अनयूज्ड प्रॉपर्टी। आस्किंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 2.8 करोड़। यू ऑल्सो गेट 5 कार पार्किंग्स, आपको कवर्ड कार पार्किंग्स मिल रहे। इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड अनदर 2-3 कार पार्किंग्स, ओपन एरिया पर आप रख सकते हैं। दोस्तों आस्किंग है 2.8 करोड़, दिस प्राइस इज स्लाइटली निगोशियबल, लोनेबल प्रॉपर्टी है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी यू कैन कॉन्टेक्ट आस इन द नंबर गिवन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं बहुत जल्द, टिल देन बाय बाय।